क्या ये हमारा पहला डिश है? बहुत बढ़िया। वाह, एक केक। ये बहुत बड़ा है। काश मुझे बाइट मिले। मैं मुश्किल से खुद को रोक पा रही हूँ। चलो जल्दी करें और इसे खाएं। आराम से जूली, हमने अभी तक हमारे कार्ड नहीं देखे हैं। ये लो। एलेक्स, तुम सही हो। चलो उनके साथ शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, मैं केक चाट सकता हूँ और मैं बाइट ले सकती हूँ। और लगता है मुझे कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। अरे यार, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कम से कम क्रीम तो चखने दो। स्वादिष्ट। यह नियमों के खिलाफ है जूली, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम फिर से ऐसा करने की हिम्मत मत करना, वरना मेरे पास चाटने के लिए कुछ भी नहीं होगा। बहुत अच्छा, यह सच में स्वादिष्ट है। मैं और चाटना चाहता हूँ। वाह, इतनी सारी क्रीम है, यह कभी खत्म नहीं होगा। इतना काफी है एलेक्स, अब मेरी बारी है। ये ना सही है, तुमने अभी काफी खा लिया। मेरी नाक पर क्रीम लग गई। ये अच्छा ही हुआ, अब मेरे पास स्नैक के लिए कुछ होगा। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती, लेकिन मेरे पास निश्चित रूप से खाने के लिए कुछ है। माय गॉड, ये स्वादिष्ट है। अब तो मुझे पक्का कोई नहीं रोक पाएगा। मैं ये देख नहीं सकती। सारा केक खाने से पहले हमें उसे रोकना होगा। हमें दे दो प्लीज। बिल्कुल नहीं, मैं शेयर नहीं करूँगी। अच्छा, तो तुम यह लो मिला। मुझे जाने दो एलेक्स। तुम्हारे पूरे चेहरे पर क्रीम है। यह कोई मजाक नहीं है। अब तुम्हें भी थोड़ा मीठा मिलने वाला है। यह वही जो तुम चाहते थे, है ना? तुमने सीधा जूली की आंख पर फेंका। यह बहुत मजेदार है। यह तुम क्या बकवास कर रही हो मीला? तुम इसी के लायक हो। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास एक नया डिश है। इस बार मैं इसे खोलना चाहती हूँ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये एक कैक्टस है। ये कमाल का लग रहा है। मुझे डर है कि बहुत कांटेदार है। ओह हाँ, कितना दर्द हुआ। तुम्हें कैक्टस को अपने हाथों से नहीं छूना चाहिए था। अच्छी बात है कि मेरे पास बैंडेड है। चलो तुम्हारी उंगली पर ये लगाते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे बिना क्या करती एलेक्स। यह लो, अब बेहतर है। हाँ, चलो देखें कि क्या करना है। बहुत बढ़िया, मुझे कैक्टस को छूना नहीं पड़ेगा। फिर से नहीं, मुझे इसे चाटना है और मुझे इसे काटना है। मुझे यह देखने का बहुत मन है। चलो शुरू हो जाओ मिला। ओ नहीं, तुम करो। मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे जाने के लिए तैयार हूँ। चलो शुरू करो। बस बहुत हुआ, मेरा सिरप फटने वाला है। खेलो और ईमानदारी से तय करो कि कौन शुरू करेगा। ओके। ये बुरा आइडिया नहीं है। चलो कोशिश करते हैं जूली। बढ़िया, मैं जीत गई। तुम पहले जाओ। एलेक्स, तुमने ये सुझाव क्यों दिया? हम इसे तुम्हारे बिना कर सकते थे। कितना दर्द होगा। मैंने अपनी पूरी जीभ पर खरोच लगा ली। देखो कितने कांटे हैं। ओह कितना बुरा। मैं तो मजाक कर रही थी और तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया। यह फनी नहीं था जूली। इसे फिर से चाटो। फिर से नहीं। एक सेकंड रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हमें कैक्टस को शेप करने की जरूरत है, उसके बाद यह खतरनाक नहीं रहेगा। मुझे लगता है यह मोड बहुत कमजोर है। मैं टर्बो मोड कोशिश करूंगी। बढ़िया, ये मेरे लिए सही है। इस तरह मैं निश्चित रूप से कांटों को संभाल सकती हूँ। ये रहा दोस्तों, देखो यह काम कर रहा है। मुझे ये पसंद है। मैं कैक्टस नहीं हो सकती हूँ। बस बहुत हुआ, सारे कांटे हम पर उड़ रहे हैं। हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसकी उम्मीद नहीं थी। हाँ चलो जल्दी से कैक्टस को चाटो। ठीक है, लेकिन घबराओ मत। अब काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हो गया। मैं कितने भी निलाई कर लूं, मेरी बारी आ ही गई। मुझे इसे जल्दी करना है और इसे बुरे सपने की तरह भूलना होगा। छी, बहुत कड़वा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। यह देखना कितना मजेदार है। मिला, तुमने ये कैसे किया? मुझे माफ करो एलेक्स, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे सबक मिल गई। पेश है हमारी नई डिश। मैं इसे खोलूंगी। ये एक बहुत बड़ा चुपा चुप्स है। बढ़िया। वाह, ये बहुत बड़ा है। मुझे आशा है कि मुझे कम से कम इसे चाटना होगा।
चलो कार्ड को ठीक से मिलाते हैं ताकि हम कुछ गलत ना करें। बहुत अच्छा, मैं लॉलीपॉप खा सकती हूँ। उफ, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। ए, मैं लॉलीपॉप चाट सकता हूँ। ये सही नहीं है। गुस्सा होना बंद करो मिला, यह मदद नहीं कर रहा है। यह पहले ही तय हो चुका है। माफ करो एलेक्स, लेकिन मैं शुरू करूंगी। ठीक है करो। अरे तुमने मुझ पर रैपर क्यों फेंका? मैंने बस ध्यान नहीं दिया। जूली लॉलीपॉप का बाइट नहीं ले सकती। तुम क्या कर रही हो? मुझे लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। तुम वैसे भी उस चुपा चुप को तोड़ नहीं पाओगी। हम उसके बारे में देख लेंगे। मेरे पास एक स्लेज हैमर है। अपने होश में आओ जूली, मैं तुमसे विनती करता हूँ। बिल्कुल नहीं, स्लेज हैमर चकनाचूर हो गया। तुम्हारी योजना पूरी तरह फैल रही। मुझे लॉलीपॉप दो, मुझे पता है कि इसे कैसे संभालना है। मैं भी इसे चाट सकती थी। बस ऐसा लग रहा है कि इसमें लंबा समय लगने वाला है। मुझे पता नहीं अब और क्या करना है। शायद एक मैनिक्योर हो जाए। हो गया, आगे क्या? मैं झपकी लेने की कोशिश करती हूँ। नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। एलेक्स, कितनी देर और? चलो इसे तेज करो। मेला, मुझे मेरा लॉलीपॉप अभी वापस दे दो। प्लीज, मेरा मतलब इसे दूर करने का नहीं था। मैं बस तुम्हारी थोड़ी मदद करना चाहती थी। क्या मस्त तकनीक है, ये मुझे बहुत तेजी से लॉलीपॉप खाने में मदद कर रहा है। वाह, छोटा हो रहा है, ज्यादा नहीं बचा है। हाँ, ये मुझे दिख रहा है। मुझे लॉलीपॉप दो। कितना छोटा हो गया। आभारी रहो कि कम से कम ये तो बचा है। धन्यवाद एलेक्स। यह क्या है? यह लॉलीपॉप के अलावा भी कुछ है। समझ गई, ये गम है। ओह बहुत अच्छा। अरे यार, ये मुझे मिल सकता था। जूली, तुम्हें इतना बड़ा बबल नहीं फुलाना चाहिए। अरे नहीं, बबल फूट गया। एलेक्स, लगता है तुम सही थे। जूली गम में उलझी हुई है। तुम्हें नहीं लगता क्या कुछ सड़े हुए की तरह बदबू आ रही है? मुझे लगता है कि ढक्कन के नीचे से बदबू आ रही है। ओह जूली, तुम सही हो। मैं कल्पना करने से डर रहा हूँ कि वहाँ क्या है। तुमने ढक्कन क्यों हटा दिया? हमारा दम घुट जाएगा। लेकिन किसी को वैसे भी उस मछली का स्वाद चखना होगा, तो बेहतर होगा हम जल्द ही शुरू करें। अरे नहीं, मुझे इसे चाटना होगा और मुझे इसका बाइट लेना होगा। कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। वाह, आउच, मेरा सिर। मुझे नहीं लगता कि मौज मस्ती करने की कोई वजह है मिला। यदि तुम घबराए हुए हो एलेक्स, मुझे शुरू करने दो। छी, उस मछली के पास ना जाना ही बेहतर होगा। क्या तुमने इसे चाटने के बारे में अपना मन बदल लिया या नहीं चलेगा? ठीक है, हमें नियमों से खेलना होगा। नहीं, आखिरकार मैंने अपना मन बदल लिया। मैं मछली नहीं चाट सकती। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे डर लग रहा है। लेकिन मैं कायर नहीं हूँ, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। एलेक्स, मुझे जाने दो। मैं केवल एक टास्क को पूरा करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैंने तुमसे मेरी मदद करने के लिए नहीं कहा था। खैर, अब तुम्हारी बारी है और तुम इससे दूर नहीं हो सकते। तुमने ऐसा क्यों किया जूली? कितना गंदा है। अब हिसाब बराबर। मैं खाना चाहती थी लेकिन मुझे केवल एक पिज्जा मिला है। बड़े अफसोस की बात है। मुझे भी तुम्हारे लिए खेद है, लेकिन कितना अच्छा है कि मेरे पास बहुत पिज्जा है। तुम्हारे पास? तुमने मेरा टावर अब तक नहीं देखा है। देखो यहाँ कितना सारा पिज्जा है कि आसमान को छू रहा था। लेकिन सबसे पहले वही खाएगा जो सबसे कम भाग्यशाली है, वह है डायना। बस बहुत हो गया मजा। मैं जानती हूँ कि मैं पहले खाऊंगी और इससे मैं बहुत खुश भी हूँ। भले ही मेरे पास केवल एक पिज्जा है, फिर भी ये बहुत स्वादिष्ट और गर्म है। जीजी स्ट्रेच को तो देखो, कितना बढ़िया, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अरे अपना कचरा फेंका मत, देख कर फेंको। क्या फर्क पड़ता है, मुख्य बात है कि इसका स्वाद मुझे अच्छा लग रहा है। बस वह करना बंद करो, बहुत हुआ, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। तुमने मेरे ऊपर क्रस्ट फेंका तो तुम्हें भी क्रस्ट ही मिलेगा। तुम बहुत मजाकिया हो, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि तुम दोनों मेरे साथ नहीं लड़ रहे हो। खैर, मेरा पिज्जा खाने का समय आ गया है। हाँ डायना, तुम बिल्कुल सही थी, पिज्जा अद्भुत है। आइडिया, मैं जानती हूँ कि इसे सबसे अच्छे से कैसे खाया जा सकता है, इसे एक बरीटो की तरह रोल करके। अब यह सुविधाजनक और स्वादिष्ट दोनों है।
कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी कि पिज्जा को सबसे तेज कैसे खाते हैं। ये बहुत अच्छा था। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक व्यक्ति के मुंह में इतना फिट हो सकता है। बेशक यह हो सकता है। इसके अलावा इस तरह हम लगातार कई पिज्जा खा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। अब क्या करें? अब तुम्हारा सारा पिज्जा हमारा हो गया और हम इसका आनंद ले सकते हैं। अरे मेरा पिज्जा कहाँ है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने उन्हें बेशर्मी से चुराया है। हम पर चिल्लाओ मत, हम वास्तव में भूखे हैं। आखिरकार वो समय आ गया है जब मैं अपना पिज्जा को खा सकती हूँ। मैं इसका लंबे समय से इंतजार कर रही थी। अरे टावर गिर गया। बस टावर सरल नहीं बल्कि बहुत स्वादिष्ट है। सॉसेज रह गया। एक कैंडी कैसे खा सकते हैं? मेरे पास एक पूरा डब्बा है। देखो डायना के पास क्या है। हाँ मेरे पास बहुत है। ये सिर्फ एक डब्बा नहीं है, ये टिक टैक का एक पूरा विशाल बैग है। ये बहुत अच्छा है। लेकिन लिली पहले खाएगी। मैं जानती हूँ, मेरा टिक टैक कोका कोला के स्वाद का है और मुझे कोला बहुत पसंद है। स्वादिष्ट लेकिन बहुत कम है। मैरी अब तुम्हारी बारी है। अरे मैं हमेशा कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए तैयार हूँ। यह क्या, ये गिर क्यों नहीं रहा है? ओह, जल्दी से मेरे मुंह में आओ। हाँ, मैरी ने अपनी सारी कैंडी गिरा दी। ऐसा कुछ नहीं है, वे मेज पर बिखरे हुए हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाया जा सकता है, मतलब स्ट्रॉ की मदद से। मैं खुश हूँ। बहुत स्वादिष्ट था। डायना अब केवल तुम ही बची हो। हुर्रे, आखिरकार मेरी बारी आ गई। ये कितना स्वादिष्ट है। हाँ यह स्वादिष्ट है। शायद तुम इसे हमारे साथ साझा कर सकते हो। तुम्हारे पास कितने पैक हैं? साझा करना नहीं, यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं खुद ही इसे मजे से खाऊंगी। कितना खाने का मन है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि डायना से कम एक बॉक्स कैसे चुराया जाए। अगर मैं इसके दूसरी तरफ से ले लेती हूँ तो निश्चित रूप से उसका ध्यान नहीं जाएगा। मैरी अपना हाथ अब बढ़ाओ और ये टिक टैक खाओ। अरे तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये मेरी कैंडी है। ठीक है तुम्हारे पास एक है, कुछ कैंडी गन फायर के लिए तैयार हो जाओ। ये लो। अरे बस करो, रुको, हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, रुक जाओ। तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी कैंडी चुराने से क्या होता है। बिल्कुल, वो हम पर कैंडी की बौछार कर रही है। पर ये बहुत स्वादिष्ट गोली है, हम उन्हें अपने मुंह से पकड़ कर खा सकते हैं। ये शानदार आइडिया है। ये लो। मुझे लगता है कि मेरी गोली खत्म हो गई और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमारा तो पेट भर गया। अरे मुझे इतने लहसुन की क्या जरूरत है। मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कम मिला है। तुम लड़कियाँ बहुत बदकिस्मत हो, मुझे तो केवल एक लहसुन मिला है। लेकिन तुम इसे पहले खाओगी तो क्या? मुझे लगता है मैं उसे जल्दी निपट लूंगी। अब मैं सिर्फ इसका छिलका छीलूंगी, नहीं तो इसके साथ खाने में मजा नहीं आएगा। बहुत खूब, छीलने का अच्छा तरीका है। तुम्हें क्या लगता है, अब इसे खाने में मजा आएगा? ओ नहीं, मैं ये नहीं खाना चाहती। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। क्या तुम जानती हो कि तुम्हें क्या मदद करेगा? लहसुन प्रेस। इसकी मदद से लहसुन खाना अब इतना खराब नहीं लगेगा। आओ लिली, अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और लहसुन को निचोड़ूंगी। जी नहीं, धन्यवाद। अच्छा अपना मुंह खोलो, तुम इसे स्वयं नहीं खोल सकते, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो तुम्हें कैसा लगा? स्वादिष्ट। क्या तुम्हें लहसुन पसंद आया? नहीं, ये भयंकर है। मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं चखा है। ठीक
क्या बदबू है। अब हमें भी इसे सूंघना होगा लिली, ताकि तुम्हारे मुंह से कचरे की गंध ना आए, इसलिए ये गम ले लो। ओ धन्यवाद, मैं निश्चित रूप से गम को मना नहीं करूंगी, यह मदद करता है। अब लगता है मैंने लहसुन नहीं खाया है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम अपना लहसुन खा चुकी हो, और मुझे अभी भी करना है। हालांकि मुझे करने की क्या जरूरत है, ये बहुत सुंदर है। ये बहुत अच्छा होगा कि मैं इसे गले में पहन लूं। नियम के अनुसार तुम्हें इसे खाना होगा, तो तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद कर रही थी कि हार का विचार काम करेगा और तुम गुस्से में हो डायना, लेकिन मैं अभी भी लहसुन को ऐसे नहीं काटूंगी। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। लहसुन को जल्दी और अच्छी तरह से छीलने के लिए मैं इसे ग्लास में डालती हूँ और अच्छी तरह से इसे हिला दूंगी। तब सभी छिलके वही रह जाएंगे और लहसुन सुरक्षित रूप से खाए जा सकते हैं। वाओ, ओ लाला। मैं मानती हूँ लहसुन बहुत खराब है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कचरा पेटी खा लिया हो। और अब कमरे में ऐसी ही महक आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इतनी गंदी गंध से भी जल्दी से कैसे निपटा जा सकता है। एक एयर फ्रेशनर हमारी मदद करेगा। कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा जब तक मेरे मुँह से गंध गायब नहीं हो जाती। नहीं तो अब क्या किया जाए। बिल्कुल, अगर तुम्हारी सांसों से बदबू आ रही है तो तुम्हें इसे फ्रेशनर से स्प्रे करने की जरूरत है। यह लो। ओह, ऐसा लगता है कि एरोसोल खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, गंध भी चली गई है। बिल्कुल कोई गंध नहीं है, हालांकि इसका स्वाद भी लाजवाब है। डायना, अब लहसुन खाने की बारी तुम्हारी है। दोस्तों, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मैं ये पूरा गुच्छा नहीं खा सकती, ये बहुत बड़ी है। नहीं, तुम्हें खाना होगा, खाओ, हमें तुम पर विश्वास है। ओह, आशा है कि मैं बीमार ना पड़ूं। तुम सही कह रही हो, मैं मजबूत हूँ, मैं लहसुन की एक दो कलियां सह सकती हूँ। वाह, वो तो छिलके के साथ खा रही है, बहुत खूब। बस थोड़ा सा बाकी है, मुझे उससे निपटना है। अरे आराम से, छिलका मत फेंको, सीधे हमारे ऊपर आ रहे हैं। मुझे परवाह नहीं है, अब मुझे केवल इस बात की परवाह है कि मेरे मुंह से कचरे की डब्बे की तरफ बदबू आ रही है। हाँ, गंध भयानक है, लेकिन मुझे पता है कि क्या हमारी मदद कर सकता है। हम इस बदबू के स्रोत को बंद कर दे तो हम कमरे में ही इसे छुटकारा पा लेंगे। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मदद करो, मुझे बचाओ। मुझे आशा है कि वो जिंदा होगी। बेशक वो जिंदा है, वो सिर्फ बदबू की वजह से बेहोश हो गई है। मेरे साथ सब कुछ ठीक है, मैं जिंदा हूँ, मैं ठीक हूँ। चलिए चलते हैं। मेरे पास केवल एक ही चुपा चुप्स है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ज्यादा भाग्यशाली हूँ, मुझे ज्यादा मिला है, सुपर। एलेक्स, मेरे हिस्से को देखो, ये कितना ज्यादा है। वाओ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने इतने सारे चुपा चुप्स कभी नहीं देखे। चलो छोटे से शुरू करते हैं। खैर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हें केवल रैपर हटाना होगा। अब तो तुम्हारा अच्छा नहीं हो रहा है। मैं हार मानने वाली नहीं हूँ, हंसना बंद करो। अरे नहीं, मैंने अपना चुपा चुप तोड़ दिया। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मुख्य बात यह है कि यह कारमेल है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। यह कितना स्वादिष्ट है, सुपर। वाह, तुमने कितनी जल्दी खत्म कर लिया। अब एलेक्स। बहुत अच्छा, अब खुद को फ्रेश करने का समय आ गया है। देखता हूँ कि मैं रैपर को कितनी आसानी से हटा सकता हूँ। वाह, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। अच्छा चलो, अब कुछ बड़ा करते हैं, मैं सब कुछ एक साथ खाना चाहता हूँ। तुम क्या कर रहे हो एलेक्स? डरो मत, मैं बस अपना कैरमेल को क्रश करना चाहता हूँ। देखो हो रहा है, थोड़ा सा ही बचा है। मैं कितना ताकतवर हूँ, बहुत बढ़िया। बस काफी है एलेक्स, हमें डर लग रहा है। बस इतना ही, मेरा हो गया, केवल कारमेल को कटोरे में डालना है। वाह, इतना ज्यादा, तुम बहुत होशियार हो। पहले से ही सब सोच लिया था। मुझे एक पूरा लॉलीपॉप चाहिए, मैंने इसे बिना कारण नहीं छोड़ दिया। अब इसे पाउडर कारमेल में डाल सकते हैं और खा भी सकते हैं।
कितना खराब है कि यह सब इतना जल्दी खत्म हो गया। बस अपने मुंह में टुकड़ा डालने की जरूरत है। खैर यह भी बुरा नहीं है। कितना स्वादिष्ट है, मैं रुकना नहीं चाहता। तुमने आधा तो बाहर ही गिरा दिया। मिला, अब तुम्हारी बारी है। मुझे एक वैक्यूम क्लीनर की जरूरत है। इसे जल्दी से बंद करो। ओ माफ करो, मैंने गलती से इसे तुम्हारे साइड कर दिया था। मुझे रैपर को हटाने के लिए इसकी जरूरत है। अच्छा आइडिया है, मुझे भी यह पसंद है। अब मैं बिना किसी बाधा के लॉलीपॉप खा सकती हूँ। यह सब तुम्हारे मुंह में कैसे आ जाता है, विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे डर है कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा। अब ऐसा लगता है कि तुम सही थे एलेक्स, चुपा चुप अटक गया है। मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ठीक है, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। कस कर पकड़ो, ध्यान से, मुझे दर्द हो रहा है। ओह यह क्या है, यह मीला का जबड़ा है, कितना भयानक। ये ठीक है, मैंने इसे पहले से ही वापस रख दिया है। यह क्या है? मुझे पता नहीं है क्या है। okay. यह कॉर्न के दाने जैसा दिखता है। शायद तुम सही हो, मेरे पास इस तरह के बहुत सारे हैं। उसमें गंध बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम सच में अभी तक कुछ समझ नहीं पाए हो? इन अनाजों से बनता है पॉपकॉर्न। लेकिन मुझे नहीं आता है, कुछ सोचना होगा। एक आइडिया है, क्या होगा यदि इसे खाया जाए? नहीं, ये बहुत कड़ा है, कुछ और सोचना होगा। मुझे पता है कि क्या करना चाहिए। हेयर स्ट्रेटनर इसमें मेरी मदद करेगा। इसकी शक्ति का अनाज पकाने के लिए पर्याप्त है। तो क्या हो पा रहा है? मेरी राय में बहुत लंबा समय लग रहा है। एलेक्स चलो अभी के लिए खेलते हैं, नहीं तो हम सो जाएंगे। चूल्ही सही है, बहुत लंबा है। वाह ये आखिरकार काम कर गया, बहुत खूब। दोस्तों देखो ये कितना प्यारा है। वाह वाह, हमें तुम पर विश्वास था मिला। अब मुझे लगता है कि मैंने बेकार ही इंतजार नहीं किया। हाँ ये बहुत ही स्वादिष्ट है। अब तुम एलेक्स, मुझे अपने हिस्से को पकाने के लिए हेयर स्ट्रेटनर से अच्छा कुछ चाहिए, जिससे मैं इस पोर्शन को एक साथ कर सकूं। मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा। तुम्हारे तरीके ने हमें शक में डाल दिया है। वाह मैंने कर दिखाया, बहुत ही स्पीड से। तुमने हमें सरप्राइज किया है। मैंने अपना हाथ जला लिया। कभी कभी तुम इतने अनाड़ी भी हो सकते हो। मुझे उम्मीद है कि पॉपकॉर्न मेरे दिमाग को मुसीबतों से निकालने में मदद करेगा। बहुत अच्छा, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। मैं इतने बड़े हिस्से को कैसे तैयार कर सकती हूँ? मेरे पास एक आइडिया है। अरे यह क्या है? पॉपकॉर्न मशीन। क्या तुमने इसे कभी नहीं देखा? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले अंदर में बीज डालना होगा। बस अभी के लिए इतना ही काफी है। देखो ये काम कर रहा है, मेरा पॉपकॉर्न तैयार है। यह कमाल का है, टेक्नोलॉजी का एक असली चमत्कार। मुझे लगता है कि इसमें और मकई डाल सकते हैं। यह बहुत छोटा हिस्सा निकला। ओ हाँ यह हुई ना बात, मुझे यह बहुत पसंद है। ओ अभी भी कुछ बीज बाकी है, मैं उन सभी का इस्तेमाल करूंगी। लगता है कि तुम्हारी मशीन कंट्रोल से बाहर है। यह अच्छा ही हुआ। क्या यह असली क्रॉफिश है? यह डरावना लग रहा है, मुझे छूने से भी डर लग रहा है। भयानक। कम से कम तुम्हारे पास एक क्रॉफिश है, मेरी प्लेट देखो। हालांकि मुझे लगता है कि हमें डरना नहीं चाहिए। ये क्रॉफिश बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। मुझे इसके बारे में इतना यकीन नहीं है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मैं इस विशाल हिस्से को कैसे संभाल पाऊंगा। बेहतर होगा मेला को शुरू करने दे। अच्छा धन्यवाद एलेक्स, तुम एक सच्चे दोस्त हो। तुम जानते हो कि मुश्किल समय में कैसे साथ देना है। यह उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। सचमुच? हाँ मुझे इसका स्वाद पसंद है, मैं पूरा क्रॉफिश खाने के लिए तैयार हूँ। स्वादिष्ट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यह पसंद आएगा। सच कहूँ तो मैं भी थोड़ा हैरान हूँ, यह स्वादिष्ट था। मिला तुम्हें ऐसे खाने के बाद अपने दांत ब्रश करने चाहिए। मुझे शर्म आ रही है। चिंता मत करो, कभी कभी हो जाता है। मुझे आशा है कि मैं अपना हिस्सा तुम्हारे जैसे संभाल सकती हूँ। ठीक है चलो आराम से शुरू करते हैं। मैं कम से कम एक बाइट लेने की कोशिश करूँगी। अजीब है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो क्रॉफिश चल रहा है। मैं दूसरा ले लेती हूँ। यह अच्छा है कि मेरे पास चुनने के लिए बहुत सारे हैं। लेकिन पहले मैं सारे एक्स्ट्रा चीजों से छुटकारा पा लूंगी। जूली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रही हो?
कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मुझे बस क्रेफिश को साफ करने की जरूरत थी। ये कोई बहाना नहीं है, देखो तुमने हमारे साथ क्या किया है। माफ करो दोस्त, मेरा मतलब ये नहीं था। ठीक है जल्दी खाओ। मीला सही थी, ये सच में स्वादिष्ट है। अफसोस की बात है कि मुझे सबसे बड़ा हिस्सा नहीं मिला, मुझे उसे खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे फिर से भूख लगी है। बहुत बढ़िया, दुर्भाग्य से मिला तुम्हारे और मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अब एलेक्स की बारी है। ठीक है, तुम्हें खाते हुए देखकर तो मुझे भी भूख लग गई। अब मैं भी इसे खाने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा, और सच में ये लाजवाब है। क्या हम तुमसे थोड़ा ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तुम पहले ही अपना खा चुके हो। अच्छा, हमें कम से कम एक क्रॉफिश तो दो। बस करो, मैंने कहा नहीं, मुझे इसका मजा लेने से मत रोको। स्वादिष्ट। मैं शेयर नहीं करना चाहता, हम बहुत भूखे हैं, प्लीज हमारी मदद करो। मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया। बहुत फनी लालची, हम ये भूलेंगे नहीं। चलो गुस्सा मत हो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। अरे नहीं, एक जिंदा क्रॉफिश है। माँ मुझे डर लग रहा है, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? सब ठीक है? मदद करो, उसने मेरी उंगली काट दी। कुछ करो, इसे मुझ पर मत फेंको। कितना दर्द हो रहा है। अब तुम्हें अच्छी सबक सीख गए हो।